आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, यानी आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। सामान्यतः एनएनपी एफसी को ही शुद्ध राष्ट्रीय आय माना जाता है और इस विधि द्वारा हम जानेंगे कि एनएनपी एफसी कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हमें एनएनपी एफसी निकालने के लिए एनडीपी एफसी निकालना होगा। एनडीपीएफसी निकालने के लिए हमें तीन चीजों को जोड़ना होगा। सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन एम्प्लॉइज के साथ हमें प्रचालन अधिशेष यानी ऑपरेशन सरप्लस और इसके साथ ही स्वनियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय यानी मिक्स्ड इनकम, हमें इन तीनों को ही जोड़ना होगा। जब हम इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तब हमें एनडीपीएफसी प्राप्त हो जाएगा। एनडीपीएफसी प्राप्त होने के बाद अब हमें एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय में चेंज करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एनडीपीएफसी मौजूद है, हमने इन तीनों को जोड़कर एनडीपीएफसी ज्ञात कर लिया है, किंतु अब हम एनडीपीएफसी में ऐसा क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि हमें एनएनपीएफसी प्राप्त हो जाए। तो यहां हमने तीन सेट दिए हैं। सबसे पहले में बात हो रही है नेट और ग्रॉस की, जो हम सबसे पहले यूज करते हैं। दूसरे में बात की गई है नेशनल और डोमेस्टिक की, जिसका स्थान दूसरा है। वहीं अगली बात है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की, जो यहां थर्ड नंबर पर आता है। यहां इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि शुरुआत में दोनों एन है, यानी इनका पहले वैल्यू इक्वल है। इसके बाद दूसरी वैल्यू पे हम देखते हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक है, मतलब एनडीपीएफसी घरेलू स्तर यानी डोमेस्टिक स्तर पर है, जिसे हमें नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर में चेंज करना है। यदि हम यहां देखें तो हमें पता लगता है कि जब हम डोमेस्टिक स्तर से नेशनल स्तर यानी घरेलू से राष्ट्रीय क्षेत्र पर आते हैं तो हमें इसमें NFIFA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध संसाधन आय को जोड़ना है। तो यहां हम लेंगे प्लस NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो यह डोमेस्टिक नेशनल के इक्वल हो जाएगा। वहीं तीसरे स्थान पर हम देखते हैं कि एफसी और एफसी दोनों इक्वल हैं। तो अब हम दोनों ही इक्वेशन को देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, तो हमें सिर्फ एनडीपीएफसी में एनएफआईएफए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, जिसके बाद हमें एनएनपीएफसी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एनएनपीएफसी ज्ञात करने की विधि को जाना। अब मान लीजिए यदि सवाल में हमें जी एन पी एट एम पी ज्ञात करने को कहा है, अब इन तीनों को ऐड करके हमने एनडीपीएफसी की वैल्यू तो ज्ञात कर ली है, किंतु हमारा सवाल जी एन पी एम पी ज्ञात करने पर खत्म होगा। अब एनडीपीएफसी में हम ऐसी क्या वैल्यू ऐड करें या क्या माइनस करें या घटाएं कि हमें जी एन पी एम पी प्राप्त हो जाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर हमें नेट प्राप्त है, बट हमें नेट को ग्रॉस में चेंज करना है। तो हम देखेंगे कि नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करना है। तो यहां हम देखते हैं कि नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, हमें इसमें मूल्यह्रास को जोड़ना होगा, जिसके पश्चात नेट ग्रॉस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां करेंगे हम प्लस डेप्रिसिएशन। अब हमारा यह नेट ग्रॉस के इक्वल हो गया है। अब दूसरी बार में हम देखेंगे कि हमारे पास डोमेस्टिक है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नेशनल निकालना है, तो हम डोमेस्टिक में क्या ऐड करें कि हमें नेशनल प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि डोमेस्टिक लेवल से नेशनल लेवल पर आने के लिए हमें इसमें NFIFA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ना होगा। तो यहां हम प्लस NFIFA करेंगे,
जब हम यहाँ प्लस एनएफआई एफए कर देंगे तो हमारा डोमेस्टिक स्तर नेशनल स्तर के बराबर हो जाएगा। वहीं हम तीसरे पे देखते हैं कि हमारे पास एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर आय है, बट हमें उस आय को एमपी यानी मार्केट प्राइस बाजार कीमत पे चेंज करना है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी साधन लागत की आय बाजार कीमत की आय में चेंज हो जाए? तो हम देखते हैं कि हमें फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत से बाजार कीमत पर आने के लिए प्लस एनआईटी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इसमें प्लस करना होगा। तो यहां हम करेंगे प्लस एनआईटी। जब हम यहां पर एनआईटी ऐड कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट लेवल मार्केट प्राइस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम एनडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन को प्लस एनएफआई एफए को प्लस और एनआईटी को प्लस कर देंगे तो हमारी एनडीपीएफसी जीएनपी एनपी के इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। किंतु कुछ सवालों में हम देखते हैं कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक और परिचालन अधिशेष नहीं दिया होता किंतु इसके अंश दिए होते हैं, तो हम उन अंशों का प्रयोग किस प्रकार करें, अब हम यह जानते हैं। अब तक हमने जाना कि आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कर्मचारियों के पारिश्रमिक यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सीओई की। यदि सवाल में कर्मचारियों का पारिश्रमिक या सीओई ना दिया हुआ हो तो उस स्थिति में क्या जोड़े या क्या घटाए? यदि सवाल में कर्मचारियों का पारिश्रमिक या सीओई नहीं दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम देखते हैं वेतन तथा मजदूरी यानी वेजिस। यदि कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दिया हुआ हो तो उसके स्थान पर सवाल में वेतन यानी वेजिस दिए हुए होंगे तो हमें कर्मचारियों के पारिश्रमिक के स्थान पर उसे जोड़ना होगा। वहीं हमें देखना होगा कि इसमें दूसरी बात, मालिकों या नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑनर्स सवाल में है या नहीं। यदि सवाल में मालिकों या नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी दिया गया है तो हमें वेजिस यानी वेतन के साथ उसे भी ऐड करना होगा। उसके बाद तीसरी बात, एलटीए यानी लॉन्ग ट्रैवल अलाउंस। यदि क्वेश्चन में लॉन्ग ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया गया है, लंबी दूरी भत्ता भी दिया गया है तो हमें इन दोनों के साथ उसे भी जोड़ना होगा। चौथी बात, बोनस तथा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। इन दोनों को भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए राष्ट्रीय की गणना करते समय इन दोनों को भी जोड़ा जाता है। अब इन चारों या पांचों बातों में से हम देखते हैं जो जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें वो वैल्यू कर्मचारियों के पारिश्रमिक यानी सीओई के स्थान पर पुट करनी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक यानी सीओई की ना होने की स्थिति में हम इन सभी चीजों का गणना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात, परिचालन अधिशेष यानी ऑपरेशन सरप्लस। ऑपरेशन सरप्लस के क्वेश्चन में ना दिए जाने की स्थिति में हम उसके स्थान पर लाभ यानी प्रॉफिट, लगान यानी रेंट और ब्याज यानी इंटरेस्ट इन तीनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में लाभ ना दिया गया हो तो लाभ के स्थान पर हम लाभांश यानी डिविडेंड्स, अवितरित लाभ यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स इन तीनों का ही प्रयोग लाभ के स्थान पर किया जा सकता है। वहीं लगान के ना दिए जाने की स्थिति में हम किराया और रॉयल्टी यानी रेंट एंड रॉयल्टी इन दोनों का ही यूज कर सकते हैं। और ब्याज हमेशा ब्याज ही होता है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। वहीं हम आगे देखते हैं कि हमें नेट को ग्रॉस या ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन की आवश्यकता होती है जैसा यहां दिखाया गया है। किंतु वही क्वेश्चन में यदि डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ना दिया गया हो तो उस स्थिति में क्या किया जाए? उस स्थिति में हम यह देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण में से शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण को घटाना होगा। जब हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण में से शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण को घटा देंगे तो हमें मूल्यह्रास या
कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्राप्त हो जाएगा। इंग्लिश में कह सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस करना होगा, जिसके बाद हमें डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास प्राप्त हो जाएगा। वहीं हम एक स्थिति और देखते हैं कि यदि सकल घरेलू या शुद्ध घरेलू के स्थान पर स्थिर शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो उस स्थिति में क्या किया जाए। कई क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि घरेलू के स्थान पर स्थिर का प्रयोग किया जाता है, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए स्थिर को घरेलू में चेंज करना होगा, और स्थिर को घरेलू में चेंज करने के लिए हमें इसमें स्टॉक में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टॉक ऐड करना होगा। जब हम स्थिर में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो यह घरेलू बन जाएगा और इस स्थिति में हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। वहीं अगली बात NFIFA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय। दूसरी बात हम देखते हैं कि नेशनल से डोमेस्टिक या डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पर आने के लिए हमें NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज करना होता है। यदि क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दी गई हो तो क्या किया जाए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्ञात करने के लिए हमें विदेशों से साधन आय में से विदेशों को साधन आय माइनस करनी होती है। जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर लेते हैं तब हमें NFIFA प्राप्त हो जाता है। यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय को ज्ञात करने के लिए हमें विदेशों से आय में से विदेशों को आय माइनस करनी होगी, वहीं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना होगा। इसके अलावा एक कंडीशन और है, यदि क्वेश्चन में NFITA यानी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी विदेशों को शुद्ध कारक आय दी गई हो तो उस स्थिति में हम इस आय को सदैव माइनस करेंगे, ये कभी भी प्लस नहीं होगी। वहीं तीसरी बात हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत को साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए हमें NITA का यूज करना होता है। बट क्वेश्चन में NITA ना हो उस स्थिति में क्या किया जाए। क्वेश्चन में NITA ना होने की स्थिति में हम अप्रत्यक्ष कर यानी IT इनडायरेक्ट टैक्स और आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी का प्रयोग कर सकते हैं। हमें NITA यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करना होगा, जिसके बाद हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त हो जाएगा। यदि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है तो उसके स्थान पर हम शून्य का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम NITA ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमने जाना कि क्वेश्चन में कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी COE, परिचालन अधिशेष, ऑपरेशन सरप्लस इन दोनों के ही ना दिए जाने की स्थिति में इनके स्थान पर किन चीजों का प्रयोग किया जाए। वहीं साथ ही हमने ये जाना कि क्वेश्चन के लिए डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या मूल्यह्रास की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात की जाए। हमने यह जाना कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे ज्ञात की जाए और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का यूज हमेशा माइनस में होगा। साथ ही हमने यह भी जाना कि NITA नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू किस तरह से ज्ञात की जाए, और इन सभी मेथड्स का प्रयोग करके आप आसानी से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।